नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं बोया का माइक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये माइक मैंने ebay.in से ऑर्डर किया है। तो बिना किसी देर के अनबॉक्स करते हैं। आप देख सकते हैं बोया का ये माइक का बॉक्स है, उसे अच्छी तरीके से बबल रैप करके दिया हुआ है। इसका प्राइस करीबन 2200 है ईबे पे। तो जल्दी से बबल रैप ओपन कर लेते हैं और अपने माइक को अनबॉक्स करते हैं। फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं ब्रांडिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक ये लावालियर माइक है जो कि प्रेजेंटेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा ये कॉलर पर लोग अटैच किए होते हैं। मॉडल नंबर BY-M1 है। साइड में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्मार्टफोन के लिए है। बैक साइड में स्पेसिफिकेशन है इसका। ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है, मतलब ओमनी डायरेक्शनल हर एंगल से आपकी जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 65 हर्ट्ज टू 18 हर्ट्ज है। सिग्नल नॉइज 74 डेसिबल है। एक्सेसरीज इसमें दी हुई। ऊपर के साइड में फीचर्स दिए हुए हैं। क्लिप ऑन माइक है फॉर स्मार्टफोन, DSLR कैमकॉर्डर, ओमनी डायरेक्शनल है, हाई क्वालिटी है, लो हैंगिंग नॉइज है। तो जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं बॉक्स को और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैनुअल दी हुई है कि कैसे ये माइक को यूज करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। और एक पेपर वर्क है जिसमें नोटिस लिखा है कि इसे कैसे यूज़ करना है। इसमें एक बटन है जो ऊपर नीचे करके आप स्मार्टफोन या कैमकॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बोया का पैकेट है जिसके अंदर हमारी माइक है। एक पाउच दी हुई है जिसके अंदर दूसरे एक्सेसरीज है। ये फोम दी हुई है जो माइक के ऊपर लगेगी, फोम वाइट स्क्रीन। ये एडाप्टर दिया है, 1/4 का एडाप्टर है। ये LR44 बैटरी है जो आपके माइक में लगेगी। और ये लास्ट में लेपल क्लिप जो आपके शर्ट में आप लगा सकते हैं माइक को फिक्स करने के लिए। तो हम इसे साइड में रखेंगे और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा माइक है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसका, सॉलिड बिल्ड है। ब्रांडिंग इन्फॉर्मेशन, साइड में बटन है और केबल भी काफ़ी बड़ी है, 25 फीट लॉन्ग केबल है इसकी। तो आराम से आप किस कहाँ पे भी इसे कैरी कर सकते हैं। ये देखिए माइक का है, इसमें आप फोम फिल्टर भी लगा लेंगे। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और ये बैटरी है, बैटरी को भी इसमें डाल लेते हैं। विदाउट बैटरी आपका ये माइक ऑपरेट नहीं करेगा। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप यूज़ करने से पहले इसे ओपन करके इसमें बैटरी डाल लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी के लिए ओपनिंग दी हुई है, प्लस और माइनस का सिंबल है। उस हिसाब से आप ये बैटरी इसमें फिट कर दीजिए। बैटरी फिट करने के बाद आपका ये जो माइक है रेडी टू यूज़ होगा। हमने ये बैटरी इसमें फिट कर दी है, हम इसे क्लोज कर देंगे अब। तो बस दोस्तों, ये इतना ही है। माइक आपका रेडी टू यूज़ है। अभी आप इसे अपने कैमकॉर्डर में, DSLR में या मोबाइल फ़ोन में अटैच कर सकते हैं। साथ में एडाप्टर भी है, अगर आपको एडाप्टर की ज़रूरत पड़ी तो आप एडाप्टर भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा माइक है दोस्तों, और YouTube के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। तो इस वीडियो में हमने देखा बोया माइक को। तो मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।